यूनिटी एड्स पे तो मैंने काफ़ी वीडियो डाला हुआ है और ये भी वीडियो यूनिटी एड्स की ही हैं। अब यूनिटी एड्स का ये वीडियो है यानी कि सेल फंडिंग का बात जरूर होगा, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी ऑडियंस नेटवर्क के बारे में बताया हुआ यूनिटी का और सेल फंडिंग, लेकिन आज की इस वीडियो में सेल फंडिंग के बारे में बात करूँगा। अब बेसिकली आप ही लोग की तरफ से क्वेश्चन आ रहा था कि क्या अप्लीकेशन का क्लियर डाटा करना ज़रूरी है। अब देखिए, सेल फंडिंग अगर आप लोग करते हो तो आप लोग को ये बात पता होगा कि क्लियर डाटा क्लियर केस किया जाता है ताकि आपका जो डेटा है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। वो बात आप लोग करते हो मुझे पता है, लेकिन एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर जानना होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं क्लियर डाटा नहीं करता। अब देखिए, सेल फंडिंग करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। अब कोई लोग क्लियर डाटा करते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई करते भी है कोई नहीं करते, मतलब सुबह में किया और रात वाले में नहीं किया, ठीक है। फिर डायरेक्ट अगले दिन का सुबह में वो करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीका होता है क्लियर डेटा करने का अगर आप लोग सेल फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेल फंडिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पर आपका प्रिकॉशन, अगर आप लोग नहीं लोगे तो जितना भी आपने अर्निंग किया वो एक बार में ही गायब हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर डाटा का अगर बात रहा तो दूसरे डेवलपर बताएंगे कि अच्छा क्लियर डाटा करना चाहिए, कोई बताएंगे क्लियर डाटा नहीं करना चाहिए, कोई बताएंगे कर भी सकते नहीं भी कर सकते, और कोई कुछ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। अब मतलब ये दूसरा बात हुआ, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा मानना भी नहीं है, बेसिकली मैं नहीं करता। अगर बात किया जाए कि मेरा अकाउंट ब्लॉक क्यों नहीं होता, अब देखिए अकाउंट ब्लॉक नहीं होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। मैं एरोप्लेन मोड को, फिर से VPN को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करता हूँ, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इसमें मैंने दो तरीका और लगाया हुआ हूँ, वो मैंने आइडिया है एक मेरा, ठीक है, मतलब उसको मैंने ही थोड़ा सा बनाया है एक तरीका से, जिससे मेरा अकाउंट भी बिल्कुल सेफ रहता है और मेरा जो 13 से 15 अकाउंट मैं यूज़ करता हूँ वो अभी तक सेफ है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरा तो आपको पता ही है कि कितना अकाउंट ब्लॉक हुआ, लेकिन अब वो सब नहीं होता है। अब अकाउंट ब्लॉक नहीं होने के पीछे जो रीज़न है, अगर आप लोग को वो जानना है, ठीक है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। डेवलपर टीम का मैंने नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आइए कांटेक्ट कीजिए और आप लोग को भी वो ट्रिक बताया जाएगा कि आप लोग अकाउंट ब्लॉक ना हो। अब देखिए, सेल फंडिंग में ऐसा रहता है ना कि अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो फिर काम करने का मन नहीं करता, फिर थोड़ा सा डर बना रहता है कि काम करे अकाउंट ब्लॉक होगा, काम करे अकाउंट ब्लॉक होगा, ऐसा इशू आने लगता है। तो आप लोग को ये डर को सबसे पहले निकालना होगा, क्योंकि इससे आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, कुछ गलती कर दोगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को सेल्फ फंडिंग में माहिर बनना है, या फिर अगर आप लोग को ऐप डेवलपमेंट कोई भी करवाना है, चाहे ऑडियंस नेटवर्क में टास्क अर्निंग हो गया, न्यूज़ एप्लीकेशन, गेम एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जो आप चाहो वो बनवा सकते हो। और सेल्फ फंडिंग का एप्लीकेशन में आप लोग को यूनिटी एड्स का, आयरन सोर्स, वंगल, ऐप लॉविन, स्टार्टअप, जो भी आपको चाहिए हो जाएगा। अब बेसिकली स्टार्टअप का मैं उतना प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं सेल्फ फंडिंग को बाद में बोलता हूँ, लेकिन पहले ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क में आपको सबसे ज़्यादा पैसा है, ये बात जान लो। सेल्फ फंडिंग आप करोगे नहीं करोगे, आपको अर्निंग होगा नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन ऑडियंस नेटवर्क यानी कि वो एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर पर डालोगे उसमें आपका गारंटीड अर्निंग होता है, ठीक है। वहाँ पर बल्क में यूज़र आएंगे, कैसे लाना है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। चिंता नहीं करना है, कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो आप लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डेवलपर टीम का मैंने नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉन्टैक्ट कीजिए और बिल्कुल चीप प्राइस में अप्लीकेशन बनवाइए, अपना हाई अर्निंग कीजिए, और वो तरीका जानिए कि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो और आप लोग कैसे अच्छा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।